फिल्म फ्रांस की एक फैक्ट्री से शुरू होती है जहां कई कर्मचारी न्याय के लिए मालिक के कार्यालय पर धावा बोल देते हैं। वे मांग कर रहे हैं कि वह हाल ही में हुई दुर्घटना की जिम्मेदारी ले, जिसमें कई कर्मचारी घायल हो गए थे। हालांकि घमंडी मालिक दावा करता है कि उसकी कोई गलती नहीं है और वह नुकसान की भरपाई करने से इनकार कर देता है। इससे फैक्ट्री के कर्मचारी भड़क जाते हैं और वे कार्यालय में उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। वे जगह को उल्टा सीधा कर देते हैं और मालिक पर हाथ उठाते हैं। पुलिस जल्द ही पहुंच जाती है, लेकिन वे भी गुस्साई भीड़ को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं। कर्मचारियों में से एक मिशेल इतना गुस्सा हो जाता है कि वह एक पुलिस वाले के ऊपर चढ़ जाता है और उसका गला घोंटना शुरू कर देता है। पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड करिन भी दुर्घटना की पीड़ितों में से एक थी और वह उसके लिए न्याय पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह जल्दी ही दूसरे पुलिस वालों के दबाव में आ जाता है जो उसे रोकते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर फिल्म कई महीनों बाद की है जहां मिशेल घर पर आराम करते हुए दिखाई देते हैं। उसे जेल से रिहा कर दिया गया है, लेकिन उसे शहर छोड़ने की अनुमति नहीं है। एक तकने का मॉनिटर हर समय उसकी हरकतों पर नजर रख रहा है। मिकल ने अपनी पत्नी एलिस को भी तलाक दे दिया है और फिलहाल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा है। दुर्घटना में लगी चोट के कारण वह अभी भी बिस्तर पर है। इसके बाद हमें मिकल और एलिस की किशोर बेटी सेलमा से मिलवाया जाता है। एक बार खुशमिजाज लड़की अपने माता पिता के तलाक के कारण उसकी जिंदगी उलट गई है। वह अब अपने दोस्तों से दूर हो गई है और हमेशा दूसरों के प्रति ठंडा व्यवहार करती है। एक दिन घुड़सवारी की क्लास के दौरान सेलमा ने अपने दोस्तों को अपने पिता की गिरफ्तारी का वीडियो देखते हुए देखा। वे इस घटना पर हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं। इससे सेलमा को गुस्सा आता है और वह अपने दोस्त के चेहरे पर घोड़े की लीद रगड़कर बदला लेती है। उसके कार्यों के परिणाम स्वरूप उसकी माँ को प्रिंसिपल के कार्यालय में बुलाया जाता है। फिर सेलमा को सख्त चेतावनी दी जाती है कि अगर उसने अपना रवैया नहीं बदला तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। उस रात सेलमा सप्ताहांत बिताने के लिए अपने पिता के घर जाती है। जब वो टेलीविजन देखती है तो उसे पता चलता है कि लैटिन अमेरिका में बारिश हो रही है, जो सामान्य से तागुना ज्यादा अम्लीय है। यह वर्षों से ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के कारण होता है। बारिश ने वर्षावनों को नष्ट कर दिया है और हजारों जानवरों को मार दिया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उत्तरी गोलार्ध तक पहुंचने में बस कुछ ही समय बाकी है। सेलमा इस खबर से हैरान है, लेकिन उसके पिता ने टीवी बंद कर दिया है और उसे ऐसी बातों पर विश्वास न करने की सलाह दी है। एक रात जब वह सो रही थी, अचानक बारिश शुरू हो गई। एलिस को पता चलता है कि उसकी बेटी ने खिड़की खुली छोड़ दी है, इसलिए वह इसे बंद कर देती है और पानी को सोखने के लिए फर्श पर एक तौलिया रख देती है। उसे पता नहीं चलता कि तौलिया का रंग बदल गया है, जो दर्शाता है कि पानी अम्लीय है। अगली सुबह बारिश आखिरकार रुक जाती है, लेकिन अभी भी बहुत बादल और उदास है। इस समय तक बारिश से लोगों के घायल होने की कई घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए देश हाई अलर्ट पर है। जब एलिस आखिरकार खबर पड़ती है, वह अपनी बेटी के लिए चिंतित हो जाती है, जो अभी अभी स्कूल के लिए निकली है। वह अपने फोन से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कोई विकल्प न होने पर एलिस अपने पूर्व पति माइकल से संपर्क करती है और उसे स्थिति के बारे में बताती है। बाद वाला भी चिंतित हो जाता है, इसलिए वे एक साथ सेलमा के स्कूल जाने और उसे वापस लाने का फैसला करते हैं। दुर्भाग्य से जब वे स्कूल परिसर में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि छात्र जंगल में घुड़सवारी के लिए गए हैं। दोनों तुरंत उस स्थान पर पहुंचते हैं, लेकिन सैकड़ों अन्य माता पिता भी अपने बच्चों को वापस लाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया है। इस बिंदु पर एलिस अपने ट्रक से बाहर निकलती है और अपने ऊपर काले बादलों को बनते हुए देखती है, इसलिए वह और उसका पति सड़क से उतर जाते हैं और अपनी बेटी को बचाने के लिए जल्दी करते हैं। दूसरी तरफ हम जंगल में सेलमा और उसके घोड़े को अकेले देखते हैं। पता चलता है कि वह बहुत खराब घुड़सवार है, इसलिए उसके दोस्त उसे पीछे छोड़ गए हैं। तभी बारिश की कुछ बूंदें गिरने लगती हैं, जिससे जमीन पर टहनियां और पत्तियां जलने लगती हैं। इसका असर बेचारे घोड़े पर भी पड़ता है और वह घबराकर भागने लगता है। जंगल के बाहर माता पिता को एहसास होता है कि उनका ट्रक अब और आगे नहीं जा सकता है, इसलिए मिकाल पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला करता है। सौभाग्य से वह सेलमा को खोजने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि वह जंगल से खुद ही बाहर आती है। फिर दोनों भारी बारिश शुरू होने से ठीक पहले पास के अस्तबल में शरण लेते हैं। हालांकि यह जगह असुरक्षित हो जाती है, क्योंकि छत से अम्लीय वर्षा की कई बूंदें रिसने लगती हैं। इससे मिकाल घबरा जाता है, इसलिए वह जल्दी से अपनी पत्नी को फोन करके उनके स्थान के बारे में बताता है। फिर एलिस भारी बारिश और कम दृश्यता के बीच गाड़ी चलाती है, लेकिन वह किसी तरह अस्तबल तक पहुंचने में सफल हो जाती है। इसके बाद परिवार ट्रक में सवार हो जाता है और वे वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में वे बारिश में जलकर मर रहे लोगों की भयानक चीखें सुनते हैं। वे अंततः मुख्य राजमार्ग पर पहुंचते हैं, लेकिन पाते हैं कि यह अभी भी यातायात के कारण अवरुद्ध है। बारिश के कारण उनका ट्रक धीरे धीरे खराब हो रहा है। एलिस जानती है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वह कई कारों को रौंदती हुई आगे बढ़ती है। एक समय पर उनका पिछला दरवाजा अचानक खुलता है और एक घायल व्यक्ति अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मिकाल उसे लात मारकर दूर कर देता है और दरवाजा बंद कर देता है। फिर एलिस को एक रास्ता मिल जाता है और वह पूरी गति से गाड़ी चलाकर भाग जाती है, लेकिन वह बाल बाल बच जाती है।
कुछ घंटों बाद बारिश आखिरकार रुक जाती है और हम देखते हैं कि इसने कितना कहर डाया है। सड़कों पर कई लोग मृत पड़े हैं और कई वस्तुएं इतनी पिघल गई हैं कि उन्हें पहचान पाना मुश्किल है। इस बीच परिवार अभी भी सड़क पर है और वे देश छोड़ने की सोच रहे हैं, लेकिन उनका ट्रक जल्द ही खराब हो जाता है क्योंकि उसमें एसिड से बहुत नुकसान हुआ है। इससे परिवार को रात के लिए एक खाली घर में शरण लेनी पड़ती है। उन्हें आश्चर्य होता है कि उस जगह को एक जन्मदिन की पार्टी के लिए सजाया गया है, जो दुख की बात है कि शुरू नहीं हो सकी। उन्हें एक पालतू बिल्ली भी मिलती है जो अकेले ही जन्मदिन का खाना खा रही है। सेल्मा उसे सहलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ उसे रोक देती है, यह कहते हुए कि इसका फर्मलिया हो सकता है। इस बीच मिकाल को पानी की आपूर्ति चलती हुई मिलती है, लेकिन उसे यकीन नहीं है कि यह पीने के लिए सुरक्षित है या नहीं। वह कुछ देर सोचता है और बिल्ली के कटोरे में थोड़ा पानी डालकर इसे परखने का फैसला करता है। हालांकि सेल्मा को यह विचार पसंद नहीं आता है, इसलिए वह तुरंत कटोरे को सिंक में खाली कर देती है। फिर एलिस कुछ बोतलबंद पानी ढूंढती है और परिवार बारी बारी से इसे थोड़ा थोड़ा करके पीता है। बाद में वे रेफ्रिजरेटर से कुछ खाना खाते हैं और अपने पैरों को ढकने के लिए टिन की पन्नी का उपयोग करते हैं। इससे उन्हें उस भयावह स्थिति से क्षणिक राहत मिलती है जिसमें वे हैं। फिर मिकाल पहले से रखे कटोरे को देखने जाता है और आश्चर्यजनक रूप से पाता है कि यह पिघल गया है। इसका मतलब है कि नल का पानी पीने के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कुछ घंटों बाद माता पिता सो जाते हैं, लेकिन सेल्मा बाहर बारिश की बूंदों की आवाज के कारण ऐसा करने में असमर्थ है। पता चलता है कि फिर से बारिश शुरू हो गई है और कुछ बूंदें छत से अंदर आ रही हैं। सेल्मा फिर बिल्ली को देखने जाती है, लेकिन उसे खून से लथपथ और बेजान अवस्था में पाती है। यह उसे बहुत परेशान करता है और वह सांत्वना के लिए अपनी माँ के पास वापस जाती है। सुबह बारिश बंद हो जाती है और परिवार पैदल ही सड़क पर निकल पड़ता है। उन्हें अपने जैसे हजारों लोग मिलते हैं जो देश छोड़ने के लिए बेताब हैं। घंटों की यात्रा के बाद वे एक पुल पर पहुंचते हैं जहां पुलिस सुरक्षा कारणों से केवल कुछ लोगों को ही जाने दे रही है, लेकिन गुस्साई भीड़ को कोई परवाह नहीं है और वे धक्का देते रहते हैं। अराजकता के दौरान एलिस को और ऊपर धकेल दिया जाता है और वह अपने परिवार से अलग हो जाती है। अब कुछ अन्य लोगों के साथ पुल पार करने की उसकी बारी है। एलिस पुलिस से कहती है कि वह अपने परिवार के बिना नहीं जा सकती, लेकिन वे परवाह नहीं करते और उसे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। दुर्भाग्य से जैसे ही वह थोड़ा आगे पहुंचती है, पुल अचानक ढहना शुरू हो जाता है। कई लोग मलबे में तुरंत दब जाते हैं, जबकि अन्य भगदड़ में कुचले जाते हैं। एलिस अपने परिवार तक पहुंचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह उग्र भीड़ के बीच फंस जाती है। फिर उसके पीछे की रेलिंग टूट जाती है, जिससे वह कई अन्य लोगों के साथ पानी में गिर जाती है। इससे उसकी त्वचा जलने लगती है और पिघल जाती है, और वह डर के मारे चिल्लाने लगती है। जब सेल्मा अपनी माँ को पानी में संघर्ष करते हुए देखती है, तो वह उसकी मदद करने के लिए दौड़ती है, लेकिन मिकाल बीच में आ जाता है। दोनों बेचारी एलिस को पानी में तड़पती हुई मौत को बस देखते रह जाते हैं। इस घटना के बाद सेना लोगों को उनके ट्रकों में ले जाती है। उन्हें सेना की बैरक में ले जाया जाता है, जहां उन्हें भोजन और आश्रय दिया जाता है। मिकाल इस अवसर का उपयोग अपनी प्रेमिका से संपर्क करने के लिए करता है, और वे आखिरकार लंबे समय के बाद बात करते हैं। सुबह में नागरिकों को समूहों में विभाजित किया जाता है और ट्रकों में भर दिया जाता है। फिर उन्हें एक जंगल में ले जाया जाता है, जहां उन्हें बाकी की यात्रा पैदल ही जारी रखनी होगी। सेना के अधिकारी लाल फ्लेयर्स के साथ उनका नेतृत्व कर रहे हैं, ताकि कोई भी अलग न हो जाए। कुछ समय बाद बादल फिर से दिखाई देने लगते हैं और ये सभी को घबराहट की स्थिति में डाल देता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन सेल्मा घबराहट के कारण लड़खड़ाती रहती है। मिकाल उसे आगे बढ़ने से रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इससे उनकी गति धीमी हो जाती है और वे समूह के बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं। सौभाग्य से उन्हें पास में एक सुरंग मिलती है और वे बारिश शुरू होने से ठीक पहले उसमें शरण लेते हैं। फिर दोनों अंधेरी सुरंग से निकलते हैं, लेकिन तब आपदा आती है जब मिकाल फिसल कर जमीन पर गिर जाता है। एसिड की नमी उसके पैर को जला देती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। फिर भी वे सुरंग से बाहर आने तक चलते रहते हैं। बारिश बंद हो गई है और बादल भी छंट गए हैं। पिता और बेटी फिर घंटों चलते हैं, जब तक कि वे कुछ घरों के सामने नहीं आ जाते। मिकाल अंदर जाने के लिए एक दरवाजा खटखटाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। इससे उसकी बची हुई ऊर्जा खत्म हो जाती है और वह थकावट के कारण फर्श पर गिर जाता है। ये देखकर सेल्मा उसके पास जाती है और मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है। जब मिकाल को होश आता है, तो वह खुद को डेबोरा नामक एक निवासी के घर में पाता है। वह एक सख्त महिला लगती है, जो अपने छोटे बेटे के साथ रहती है। डेबोरा मिकाल को बोतलबंद पानी और ताजे कपड़े देती है, लेकिन खाना शेयर करने से मना कर देती है, क्योंकि उसके पास पहले से ही कम कपड़े हैं। बाद में जब सेल्मा ऊपर की ओर जाती है, तो वह एसिड से रंगी दीवारों को देखती है। उसे प्लास्टिक से ढका एक उपकरण भी मिलता है और वह उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन डेबोरा उसे रोक देती है। जब दोनों बात करते हैं, तो महिला बताती है कि इस उपकरण का इस्तेमाल उसके बेटे के डायलिसिस उपचार के लिए किया जाता है, लेकिन कभी कभी वे छत से पानी टपकने के कारण ऊपर नहीं आ पाते हैं। जब मिकाल को इस बारे में पता चलता है, तो वह निस्वार्थ भाव से उपकरण को नीचे ले जाता है, ताकि लड़का सुरक्षित रूप से अपना डायलिसिस करवा सके।
डेबोरा उसकी मदद के लिए आभारी है, इसलिए वह आखिरकार उनके साथ खाना शेयर करने के लिए सहमत हो जाती है। उस रात पिता और बेटी गैरेज में सोने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही वे लाइट बंद करते हैं, डेबोरा बाहर से अपना दरवाजा बंद कर देती है। फिर वह अपने बेटे के पास जाती है और उसके बगल में लेट जाती है, अपरिहार्य आने का इंतजार करती है। जल्द ही भारी बारिश होती है और घर से पानी टपकने लगता है। नल और बिजली के तार पिघलने लगते हैं, जबकि अलग अलग छिद्रों से अम्लीय धुआं निकलता है। नीचे मिकाल और सेल्मा अचानक जागते हैं और महसूस करते हैं कि घर टूट रहा है। वे दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह बाहर से बंद है। सेल्मा अपने नए दोस्तों को पीछे नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वह उन्हें पुकारती है, लेकिन उसके पिता जल्दी से उसे वापस खींच लेते हैं, क्योंकि घर ढहना शुरू हो जाता है। फिर दोनों डेबोरा की कार में बैठ जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। मिकाल को गाड़ी चलाने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि दृश्यता लगभग शून्य हो जाती है और कार टूटने लगती है, लेकिन वह किसी तरह उन्हें तूफान से सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। घंटों गाड़ी चलाने के बाद वे एक खेत में पहुंचते हैं और बारिश बंद हो जाती है। घबराई हुई सेल्मा पूछती है कि वे कहां जा रहे हैं, लेकिन मिकाल खुद नहीं जानता, इसलिए वह हताश होकर उस पर चिल्लाने लगता है। फिर वह सांस लेने के लिए बाहर जाता है, लेकिन गीली घास उसके पैरों को जला देती है, जिससे वह वापस लौट आता है। उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि सेल्मा पिछली सीट से गायब है। वह वास्तव में खुद भागी है, लेकिन अम्लीय भूमि के कारण उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जब सेल्मा दर्द को और सहन नहीं कर पाती, तो वह एक संरचना पर चढ़ जाती है, लेकिन संक्षारक भूमि के कारण यह धीरे धीरे डूबने लगती है। जब ऐसा लगता है कि वह मरने वाली है, तो उसका वीर पिता आता है और उसे संरचना से बचाता है। फिर वह उसे अपनी पीठ पर लादकर किसी तरह अपने वाहन तक ले जाता है। इस प्रक्रिया में मिकाल के पैर बुरी तरह जल जाते हैं और वह दर्द के कारण जल्द ही बेहोश हो जाता है। सौभाग्य से जब सूरज उगता है, तो उन्हें एक सैनी दल द्वारा बचाया जाता है और अस्पताल ले जाया जाता है। फिर मिकाल को तुरंत उपचार दिया जाता है, जबकि सेल्मा उसके परिवार के बारे में पूछती है। उसे जल्द ही पता चलता है कि उसके पिता की प्रेमिका करिन कुछ दिन पहले मर गई थी, हालांकि वह अभी उसे नहीं बताना चाहती। फिल्म का अंत इस प्रकार होता है कि सेल्मा अपने स्वस्थ हो रहे पिता के पास जाती है और उनकी बाहों में सो जाती है।